हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें मैनेजर एंड हेड की कुल 511 पोस्ट पर वैकेंसी है। उसका नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है नीचे रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 9 अप्रैल 2021, और इनकी लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 29 अप्रैल। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कुछ नोट दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन और उसके बारे में कुछ यहाँ पे बता रखा है। अगर बात करें पोजिशन या पोस्ट की, तो जो पहली पोस्ट है वो है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, जिसमें 407 पोस्ट पर वैकेंसी है, और यहाँ पे इसका एज क्राइटेरिया दे रखा है, और यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बता रखे है, और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख रखा है। इसी तरह दूसरी पोस्ट है ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, टोटल पोस्ट 50 है, उनकी क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वर्क एक्सपीरियंस, वो सभी कुछ आप देख सकते हैं। इसी तरह तीसरी पोस्ट है टेरिटरी हेड, 44 पोस्ट। चौथी पोस्ट है ग्रुप हेड, कितनी वैकेंसी, 6 वैकेंसी। पांचवी पोस्ट है प्रोडक्ट हेड, जिसमें 1 वैकेंसी है। इन सबके सामने इनके बारे में सब कुछ लिखा है, इनके क्या एज होनी चाहिए, क्या इनकी क्वालिफिकेशन, वो इनके सामने लिखी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह जो 6 नंबर पोस्ट है वो है हेड ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिसमें क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वर्क एक्सपीरियंस, वो यहाँ देख रखा है, लिख रखा है। सातवीं पोस्ट है डिजिटल सेल्स मैनेजर, 1 वैकेंसी। आठवीं पोस्ट है आईटी फंक्शनल एनालिटिक्स मैनेजर, 1 वैकेंसी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और कौन कौन सी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे पहले पोस्ट जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर है, तो उनके कौन कौन से सिटी में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, जैसे अहमदाबाद, इलाहाबाद, बरेली, बेंगलुरु, ठीक है। इसी तरह दूसरी पोस्ट है ई वेल्थ, तो मुंबई है। टेरिटरी हेड है, कहाँ कहाँ आपको पोस्ट मिल सकती है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें, यानी कि किस कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट रिजर्व है, वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे पहली जो है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, तो इसमें एससी कैटेगरी के लिए 61 पोस्ट रिजर्व है, एसटी के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 41, और जनरल कैटेगरी के लिए 165, और टोटल पोस्ट हो गए यहाँ पे 407, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिसएबिलिटीज वालों के लिए भी यहाँ पे रिजर्व कर रखी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, टेरिटरी हेड, ग्रुप हेड, प्रोडक्ट हेड, वो सभी में देख सकते हैं आप कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी कितनी रिजर्वेशन है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन की बता रखा है कि अगर आप एज लिमिट, एज क्राइटेरिया में आपका क्या, आपको छूट मिलेगी, अगर आप एससी और एसटी से 5 साल, ओबीसी से 3 साल, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटीज 10 साल, वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका रेमुनरेशन की बात कीजिए, यानी आपको कितना आपको पे स्केल लेने वाला है, वो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो है डी नंबर पॉइंट, वहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरा गाइडलाइन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बता रखा है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट बता रखे हैं, ठीक है। तो बस सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी गई है, तो इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप इसको ज़रूर देख लेवे। थैंक यू।